फॉल इल, इजंट इट? तो व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस दिस ना, व्हाट यू मीन बाय हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, एक गुड हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, डिजीज नहीं होना चाहिए बॉडी में. अगर बॉडी में डिजीज नहीं है, किसी तरह का टेंशन नहीं है, ना फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, मेंटल मेंटली जो है व्यक्ति फिट है, ठीक है, सोशली फिट है, ठीक है, और जो आपका बिहेवियर, थॉट, वर्क, इकोनॉमी है ना, ऑल दीज आर गुड, है ना, सब तरीके से अगर कोई व्यक्ति फिट है, देन हम लोग कह सकते हैं कि ही इज हेल्दी. ओके, WHO के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखे हैं ना, WHO के अकॉर्डिंग क्या देखे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या बताता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग फ्री फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल टेंशन. ठीक है, केवल बीमारी नहीं होना ही हेल्थ नहीं कहलाता है. ठीक है, बीमारी नहीं होने के साथ साथ ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. ओके, हम लोगों ने देखा व्हाई वी वांट टू बी हेल्दी, हम लोग हेल्दी क्यों रहना चाहते हैं, तो खुश रहने के लिए, है ना, अच्छा वर्क करने के लिए, एफिशिएंट वर्क करने के लिए, अच्छा बिहेवियर रखने के लिए, ठीक है, सोशल टेंशन से मुक्त रहने के लिए, फिजिकल टेंशन से मुक्त रहने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हेल्दी रहें. ठीक है, समझ में आ रहा है? हेल्थ जो है वो इसलिए चाहिए कि हम एक बेटर लाइफ लीड कर सकें, है ना. हेल्थ जो है वो गुड हेल्थ हम लोग को इसलिए चाहिए कि हम लोग खुद भी हैप्पी रहें और हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो लोग भी हैप्पी रहें. ओके, हम लोगों ने पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ पर भी जो है देखा, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ को भी हम लोगों ने देखा. ठीक है, पर्सनल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ में हम लोगों ने पर्सनल हेल्थ को देखा, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल, एक है ना, एक प्रत्येक व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, ये हम लोग बात कर रहे थे. कुछ क्राइटेरिया है जिसको अगर व्यक्ति फॉलो करे अच्छे से तो, है ना, एक इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं. और एक इंडिविजुअल से क्या होता है, धीरे धीरे पूरा फैमिली बनता है, पूरा समाज बनता है. तो अगर एक एक इंडिविजुअल अगर स्वस्थ रहेंगे तो पूरा स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, है ना, स्वस्थ देश का निर्माण हो सकता है. तो पहला क्या है, अगर एक इंडिविजुअल, अगर हम लोग खुद से अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो ईटिंग प्रॉपर बैलेंस डाइट, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स. हमने आपको ये भी बताया कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन्स चाहिए उनके बॉडी में, कितना फैट्स चाहिए, है ना. वी हैव ऑल्सो डिस्कस ऑल दिस थिंग. ठीक है, हम लोग ये भी जो है डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में. ओके, इसके अलावा जो पहला जो था ईटिंग प्रॉपर डाइट, है ना, ईटिंग प्रॉपर डाइट के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन. पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. पर्सनल डोमेस्टिक हाइजीन का मतलब क्या है, जो है पर्सनल यानी खुद से अपना साफ सफाई और साथ ही साथ, है ना, अपने घर की साफ सफाई. ठीक है, अपना सफाई साथ साथ घर की सफाई, है ना, दोनों अगर हम लोग साफ रखेंगे तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं. ठीक है, पर्सनल हाइजीन में जैसे अगर हम लोग सही तरीके से बात ले, है ना, रेगुलर बात, है ना, क्लोथ्स जो है वो क्लीन कपड़े, अगर साफ कपड़े हम लोग पहनेंगे, है ना, फूड हम लोग जो खाएंगे वो साफ सुथरा फूड खाएंगे, उसको फूड को अच्छे से ढक के रखेंगे, है ना, गर्म फूड खाएंगे. ठीक है, हैबिट जो है आपका गुड हैबिट, अगर हम लोग गुड हैबिट अगर मान लीजिए अडॉप्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि हम लोग जो है हेल्दी रह सकते हैं ना. इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हेल्दी रह सकता है. गुड हेल्थ और बैड हेल्थ के बारे में भी मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज, वॉकिंग, वर्किंग, है ना, फॉलोइंग गुड थिंग्स, ऑल दीज आर दी हैबिट ऑफ, यू नो, जो है ये सब सारे क्या होते हैं, गुड हैबिट्स में आते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, जबकि ये कुछ बैड हैबिट्स आते हैं जैसे स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, स्लीपिंग इन अनप्रॉपर वे, ठीक है, फॉलो बैड बिहेवियर पीपल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, डूइंग बैड एक्टिविटीज, ये सब क्या होते हैं, आपका बैड हैबिट्स में आते हैं. अगर हम लोग डोमेस्टिक हाइजीन की बात करें तो डोमेस्टिक हाइजीन में हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाउ वी कैन, यू नो,
मेक आवर होम और हाउस क्लीन, हम लोग अपना घर को क्लीन साफ सुथरा कैसे रह सकते हैं, है ना, अपना घर को नीट एंड टाइट क्लीन कैसे रह सकते हैं, हाउ कैन वी यू नो कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, तो प्रॉपर हाउस और सैनिटेशन के लिए, है ना, प्रॉपर सैनिटेशन करने से, साथ ही साथ क्या हो सकता है, ऑल द यूटेंसिल्स जितने भी घर में हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी प्रॉपर सही सही समय पर साफ करते रहना चाहिए, साथ ही टेबल चेयर, है ना, अलमीरा फ्रीज जो कुछ भी हमारे घर में है उसको समय 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 पर क्या करना चाहिए, साफ सुथरा करते रहना चाहिए, ठीक है। और आगे हम लोग बात कर रहे थे वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज, देखिए वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज ये भी हमारे जो है हेल्थ को इफेक्ट करता है ना, ये भी हमारे क्या करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है। कहा जाता है कि वर्किंग एट ए गुड प्लेस कीप्स यू हेल्दी, अगर आप खराब जगह में काम कर रहे हैं, खराब जगह कहने का मतलब क्या है, गुड प्लेस और बैड प्लेस कहने का मतलब क्या है, ठीक है, गुड प्लेस एंड बैड प्लेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप ऐसी जगह पर वर्क कर रहे हैं जहां पर रेगुलर जो है वो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो डस्ट क्या हो रहा है आपके बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा धीरे धीरे, वो क्या करेगा आपकी बॉडी को अनहेल्दी करेगा, है ना, बॉडी का आपका हेल्थ को क्या करेगा डैमेज करेगा। और मान लीजिए आप एक अच्छे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, है ना, अच्छे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं जहां पर बहुत ही सराउंडिंग्स बहुत अच्छा है, है ना, क्लीन है, ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, तो ये क्या है, अगर आप ऐसे प्लेस में वर्क कर रहे हैं इसमें इट मीन्स क्या हो रहा है, ये आपका हेल्थ को, है ना, क्या कर रहा है अच्छे वे में अफेक्ट कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वर्क होता है हमारा, जो वर्किंग प्लेस होता है हमारा, ये भी क्या होता है हमारे जो है हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। नाउ आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। So today we will talk about कम्युनिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, कम्युनिटी का मतलब सोसाइटी, सोसाइटी, वेरी गुड, और सर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर शेयरिंग अ कॉमन एरिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना, कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर हो गया, है ना, बहुत अच्छा बोले, सोसाइटी, है ना, ग्रुप ऑफ कॉमन पीपल, बहुत अच्छा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, पहले हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल के बारे में, यानी एक के बारे में बात कर रहे थे, अब आपको पता है कि एक एक से क्या बनता है, एक एक से अनेक बनते हैं ना, एक एक से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, तो एक एक से क्या होते हैं, बहुत सारे बनते हैं, isn't it? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कम्युनिटी का, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात किए, अब इंडिविजुअल से क्या होता है, इंडिविजुअल से बनता है पीपल बनता है, यानी ग्रुप बनता है, है ना, पीपल, समझ में आ रहा है, क्या बनता है, पीपल बनता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल से क्या बनते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बनते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल,
है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं. ओके तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. अगर एक एक इंडिविजुअल अगर मान लीजिए अपना सही से ख्याल रख रहा है, ठीक है, तो फिर जो है सारे व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं ग्रुप में, है ना. तो हाउ कैन वी इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, और हाउ कैन वी यू नो मेंटेन अ गुड हेल्थ इन अ कम्युनिटी. कम्युनिटी में हम लोग गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना, कैसे हम लोग एक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो वी विल स्टडी ऑल द एक्टिविटीज. ओके, द एफर्ट्स और द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटी to maintain, है ना, to maintain, to protect and to improve, its health. क्या कैसा effort है, activities है ना, जिससे कि कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और उसको जो है आप कह सकते हैं इम्प्रूव किया जा सके. तो मैनी एक्टिविटीज है. नंबर वन, ठीक है, अगर सेफ वाटर सप्लाई, है ना, अगर सही वाटर, अगर सेफ वाटर सप्लाई हो, यानी कि सही से अगर मान लीजिए पीने का पानी, ठीक है, नहाने का पानी, जो भी आपका होता है, अगर सही से वाटर जो है पूरे कम्युनिटी को दिया जाए, सही से पूरे वाटर जो है कम्युनिटी को मिले, तो इससे क्या हो सकता है जो है आपका कम्युनिटी, इट कैन बी यू नो इट कैन बी जो आप कह सकते हैं जो है हेल्दी, है ना. अगर अगर पानी, अगर मान लीजिए सबसे जरूरी क्या है, पानी है, घर घर पानी जरूरी है ना. अगर मान लीजिए कि पानी ही खराब मिल रहा है, पानी अगर मान लीजिए कि गंदा मिल रहा है, ठीक है, जिसमें के डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और उस वाटर को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा हेल्थ जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा. ठीक है, यानी कि सबसे पहले जरूरी है कि क्या दिया जाए, कि कम्युनिटी को वाटर जो है सप्लाई किया जा सके, ठीक है, सही वाटर मिले. अगला क्या हो सकता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट, सही तरीके से, है ना. अब मान लीजिए एक एक व्यक्ति के घर में इतना सारा जो आप कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, इसके अलावा जो है अगर आप एनिमल घर में रखें, एनिमल वेस्ट हो गया, ठीक है, साथ ही साथ जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेगुलर जो क्लीनिंग के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सही तरीके से इसका डिस्पोजल होना, इसको सही तरीके से इसका जो है आप कह सकते हैं इसको कहीं इकट्ठा करना, ठीक है, ये जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, एक समाज में अगर जहां तहां कूड़ा कचरा अगर मान लीजिए इधर उधर बिखरा रहेगा, तो ये क्या करता है, ये इट कैन हेल्प यू नो, इट कैन यू नो अफेक्ट द कम्युनिटी हेल्थ. ये क्या करता है, कम्युनिटी हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है. साथ ही साथ सीवेज, सीवेज का मतलब क्या होता है, सीवेज का मतलब होता है कि जो भी गंदा पानी हमारे घर से निकलता है, जो भी हमारा डर्टी वाटर जो हमारे आफ्टर बाथिंग, ठीक है, या फिर मान लीजिए आफ्टर वॉशिंग योर क्लोथ्स, ठीक है, ये सब के जरिए, या फिर मान लीजिए घर का साफ सफाई करने के बाद जो पानी निकलता है वो क्या होता है, एक जो है नाला में बहता है, है ना, क्लियर. ये जो नाला में बहता है दैट इज कॉल्ड सीवेज. तो प्रॉपर जो है वो क्या होना चाहिए, सीवेज की व्यवस्था होना चाहिए, सो दैट की जो है व्यक्ति क्या कर सके, व्यक्ति जो है वो जो भी घर में जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज यू नो जो भी आपका
गंदा पानी जो है निकल रहा है घर से वो एक प्रॉपर वे से बाहर जा सके. सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट ये बहुत जरूरी होता है ना एक कम्युनिटी में. क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, फैसिलिटीज फॉर वैक्सीनेशन. फैसिलिटीज फॉर क्या होगा? वैक्सीनेशन. ये वैक्सीनेशन क्या होते हैं? तो वैक्सीनेशन क्या होते हैं? ये होते हैं, है ना, बॉडी में वैक्सीन इंजेक्ट करना. ठीक है, प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू द पीपल इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. ठीक है, इसमें वैक्सीनेशन में होता क्या है, ध्यान दीजिए कि, है ना, डिजीज के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं, है ना, जैसे अभी COVID-19, है ना, COVID-19 का वैक्सीन अभी मार्केट में आया नहीं है ना. COVID-19 का क्या वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है. ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आपका इतना सारा चीटी यहाँ पर कैसे चल रहा है यार. ओके, तो वैक्सीनेशन क्या होता है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं जो है आपका ये किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, वैक्सीनेशन जो है दिया जाता है, या फिर किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, हम लोग डिजीज फाइटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, यानी कि गिविंग और प्रोवाइडिंग वैक्सीन. ठीक है, ये वैक्सीन क्या होते हैं? तो वैक्सीन होते हैं आपका डेड या इनएक्टिवेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पैथोजन. ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये क्या होता है, इनएक्टिवेटेड या डेड जो है ये पैथोजन होते हैं जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वैक्सीन किसी भी जो डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन, जैसे मान लीजिए कि टीबी, है ना, टीबी के लिए वैक्सीन. ठीक है, इसके अलावा टिटनस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लेते हैं. मिजल्स, ठीक है, डिप्थेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब के लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में. ठीक है, जो हम लोग, है ना, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने लिया भी होगा, है ना. तो ये क्या है, ये वैक्सीन है, यानी कि अगर प्रॉपर अगर वैक्सीनेशन अगर होगा समाज में तो क्या होगा कि बीमारी होने का क्षमता, बीमारी होने का जो चांसेस है वो लो होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, और ये पूरा कम्युनिटी क्या होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम द डिजीज. ठीक है, ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम द डिजीज. अभी मान लीजिए COVID-19 का वैक्सीन अगर मार्केट में आ जाता है तो क्या होगा, जिस भी, मतलब हम लोग सब लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग COVID-19 का वैक्सीन लेने लगेंगे, तो क्या होगा, जो भी समाज हमारा, जो भी कम्युनिटी जो अफेक्टेड है, देखिए इससे धीरे धीरे क्या होगा, ये सब ठीक होने लगेंगे, है ना, ठीक होने लगेंगे. तो दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. आज देखिए हम लोग तो ग्रुप में रहना भी पसंद नहीं करते हैं. क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि मे बी, है ना, कि किससे किसको अफेक्ट हो जाए. ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, अगर एक वैक्सीन अगर मान लीजिए अभी आ जाता है मार्केट में, ठीक है, जो है साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन अगर मार्केट में पहुंच जाता है, तो ये क्या कर सकता है, ये हमारे लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, और फिर से हमारा जो कम्युनिटी, जो पहले की तरह हम लोग घुलते थे, मिलते थे, है ना, टहलते थे, हम लोग फिर से इन सब सारी चीजों को कर पाएंगे. नेक्स्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है, दैट इज हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, लोगों को, यानी कम्युनिटी में पीपल को, है ना,
हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन ठीक है से क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन अगर आपको पता रहेगा कि है ना, हेल्थ एजुकेशन अगर आप जानते हैं, हेल्थ के बारे में अगर आपने पढ़ाई किया है, थोड़ा बहुत जानकारी लिया है, तो आपको ये पता चल जाएगा है ना कि आप क्या कर सकते हैं, टू चेक हेल्थ प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा ना। अगर मान लीजिए जिससे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि लेग में स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है, बॉडी में जो है क्या हाइपोक्सिया कंडीशन बन रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप जहां बॉडी पार्ट्स को जब प्रेस कर रहे हैं तो वो बहुत देर तक जो है प्रेस्ड रह जा रहा है आपके छोड़ने के बाद भी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप ये सब सिम्टम्स देख पा रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो यू कैन से दैट दिस पर्सन इज यू नो सफरिंग फ्रॉम सम किडनी और यू नो हार्ट डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी रहेगा तो आप ये चीज जो है क्या कर सकेंगे, अच्छे से अपने हेल्थ को मैनेज कर पाएंगे, क्लियर। यानी किसी व्यक्ति को पता है सिम्टम्स के बारे में, डिजीज के बारे में, तो वो उस अनुसार से अपना हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर करके और जो है वो देख करके, हाँ ऐसा सिम्टम आ रहा है तो ये डॉक्टर जो है ये बीमारी को देखेगा, चलिए इस डॉक्टर से दिखा लेते हैं, ये टेस्ट करा लेते हैं, क्या। ये तो आप अपने हेल्थ को प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या जो है प्रॉपर आप जो है उसके लिए डाइट जो है वो कर पाएंगे घर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट। पॉल्यूशन को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, पॉल्यूशन जो है इसको मैनेजमेंट भी एक तरह का क्या होता है, ये बहुत ही जो है इफेक्टिव एफर्ट है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपका स्टेट एंड कंट्रोल जो बोर्ड है आपका, वो एक पब्लिक अवेयरनेस जारी कर सकता है पॉल्यूशन को लेकर, लोगों को बता सकता है किन किन चीजों से पॉल्यूशन होता है, ठीक है, हम लोगों को पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों का अगर जानकारी रहेगा तो एक कम्युनिटी क्या होगा, एक कम्युनिटी जो है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगला और भी क्या है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, ये भी ध्यान दीजिए एक कम्युनिटी में हेल्थ को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा ये भी हथियार है, ठीक है। यानी कि फैमिली प्लानिंग में क्या आते हैं कि ये अवेयर किया जाए लोगों को, ये बताया जाए ना, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस अगर मान लीजिए लोगों में क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। यानी कि हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, आपको पता होगा कि बहुत पहले ये गवर्नमेंट का क्या था, हमारे गवर्नमेंट का ये हम दो हमारे दो, यानी कि पेरेंट्स जो है कितना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कितना बच्चा होना चाहिए, है ना, ये क्या होता है, फैमिली प्लानिंग होता है, क्लियर। तो फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस जो है वो भी कम्युनिटी में स्प्रेड करना चाहिए, इसका भी अवेयरनेस जो है होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। और इफ पॉपुलेशन इज इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, अगर पॉपुलेशन अगर अंडर कंट्रोल में रहेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों का जो बहुत सारे जो चीजों का जो प्रॉब्लम्स है या जो हेल्थ इश्यूज है वो बहुत हद तक क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। आपको तो पता है कि पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी यू नो बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि घर में अगर मान लीजिए कि बहुत सारे फैमिली मेंबर रहेंगे, यानी एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा, ये भी जो है हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए जो मदर बॉडी है उससे जो पहला बच्चा होता है, ठीक है, तो इट टेक्स यू नो व्हेन इट डेवलप्स व्हेन इट इज इन
फिटस कंडीशन, फिटस स्टेट में जब रहता है वो इंद्रायणी से लेकर बेबी का बर्थ होने तक वो क्या होता है, मदर बॉडी में रहता है, वो मदर के न्यूट्रिशन को लेता है। इस तरह से लगातार अगर मान लीजिए कई ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट के एक मदर बॉडी से, तो ये मदर बॉडी का इफेक्ट को हेल्थ को इफेक्ट करता है कि उनके बॉडी से जितना भी सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब का फूड मटेरियल्स है, ठीक है, ये क्या होता है, ये बच्चे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट कर सकता है फीमेल का हेल्थ को, ठीक है। साथ ही साथ जो पहला बच्चा है वो हेल्दी होता है, दूसरा हेल्दी होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, लगातार जो है कम समय में जो है अगर मान लीजिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है या ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं कि डिजीज डिसऑर्डर का चांसेस जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, क्लियर। तो फैमिली प्लानिंग और साथ ही साथ जो है आप जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसमें क्या है, मेंटल फिजिकल इकोनॉमिकल सारे चीजों को मिलाकर हेल्थ कहा जा रहा है, सारी चीजों स्प्रिंग उतना इकोनॉमिकली भी व्यक्ति को उतना सक्षम होना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो क्या होगा, द फैमिली विल नॉट एबल टू यू नो लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, जिससे क्या होगा ये भी एक तरह का जो है हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और क्या हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स कॉलेजेस स्कूल्स एंड अदर सर हेल्थ में स्कूल कॉलेजेस इसका एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है ना, हेल्थ का मैनेजमेंट में हेल्थ सेंटर तो समझ में आता है, हॉस्पिटल समझ में आता है, लेकिन ये कॉलेज स्कूल और अदर इंस्टीट्यूट जो है हाउ इट यू नो ये एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए कैसे जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। अगर मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस रहेंगे तो समाज में क्या होगा, एजुकेशन फैलेगा, और एजुकेशन फैलेगा तो हम लोग अपना सेल्फ अवेयरनेस, हम लोग खुद के बारे में खुद को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना, खुद के हेल्थ के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सब हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, स्कूल कॉलेजेस से मिलेगा, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज से एजुकेशन होने से क्या है, घर घर जो है आप कह सकते हैं हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और जबकि कुछ प्रॉब्लम होने से जो है आपका हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स दीज आर ऑल्सो यू नो वेरी नेसेसरी इन आवर कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो इन सब का एस्टेब्लिशमेंट ये भी एक बहुत अच्छा एफर्ट होगा, ठीक है, जिस जिस एरिया में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो एरिया क्या होता है ज्यादा इम्प्रूव होता है और वो ज्यादा हेल्दी माना जाता है, क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. तो ये सब सारे जो है एफर्ट्स क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ को है ना अच्छा रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज जो है वो होनी चाहिए कम्युनिटी में, एक समाज में। और ये सारे एक्टिविटी कौन करते हैं, तो सबसे पहले तो जो मान लीजिए प्रॉपर डिस्पोजल और सीवेज ये सब तो है ना, ये बहुत सारी एक्टिविटी तो खुद को हम लोगों को करना है, घर में करना है ना, साथ ही साथ हम लोग के साथ म्यूनिसिपल कमेटी कौन कौन इसमें जो है हमारा हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, तो आपका कौन कौन से हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, म्यूनिसिपल जैसे हम लोग का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या AMC आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देखते हैं ना घर घर आकर क्या होता है, जो भी आपके घर में जो गार्बेज है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको क्या करता है, वो ले जाता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, ठीक है। Yes, sir.
इसके अलावा क्या होता है, पंचायत होता है ना, पंचायत, पंचायत क्या एक समिति होता है, एक कुछ ग्रुप्स का जो है गठन करके गांव घर में आज भी पंचायत जो है वो एक्टिव है। पंचायत में क्या होता है कि कुछ जो है गांव के जो है बूढ़े बुजुर्ग पढ़े लिखे अच्छे जानकार एक्सपीरियंस लोग रहते हैं चार पांच, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी चीजों का समाधान करने के लिए, है ना, वो आगे आते हैं। ठीक है, तो गांव को पूरा आप कह सकते हैं कि वो रेगुलेट करते हैं, पूरे गांव की देखभाल करते हैं, तो पंचायत होते हैं। एनजीओ, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब जो है हमारा ये जो जैसे मान लीजिए प्रॉपर वाटर का सप्लाई है ना, प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन, ये सब सारा जो है वो क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन, इस पर जो है ये पूरा हमारा क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि ये सब सारे जो बॉडीज होते हैं दे प्रोवाइड अस यू नो ऑल दीज फैसिलिटीज, ये सारे जो है वो क्या करते हैं हमारे, हमें ये सब सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड ट्रीटेड क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सीवेज वाटर का प्रोपर जो है डिस्पोजल कैसे हो, इसके लिए जो है ये क्या करते हैं जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, साथ साथ जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है इसको ये बनाते हैं, है ना, ग्रीन ओपन स्पेसेस जैसे पार्क हो गया, है ना, पार्क हो गया, ग्राउंड हो गया, फील्ड हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब बॉडी जो है हम लोग को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ को पढ़ा। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रहे कि इसमें क्या क्या मैंने बताया, जो आपका है सबसे पहला जो है आपका क्या, सेफ वाटर सप्लाई। ठीक है, यानी कि वाटर जो है घर घर अगर सही पानी मिलेगा, है ना, क्लीन और मेंटेन अगर हम लोग सिस्टम को चलेंगे लेकर, तो वी कैन बी हेल्दी। ठीक है, तो इट बिकम्स आवर प्राइम ड्यूटी टू नॉट ओनली कीप आवर सेल्फ्स क्लीन, है ना, ये हमारा प्राइमरी ड्यूटी है कि क्या, नॉट ओनली कीप आवर सेल्फ्स क्लीन बट ऑल्सो आवर वर्क प्लेस, आवर स्कूल, आवर हाउसेस, आवर सराउंडिंग्स, आवर कम्युनिटी, ये सभी को हम लोगों को क्या करना है, क्लीन रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपना घर साफ करके गंदगी दूसरे के घर में फेंक दिए, ऐसा नहीं, हम लोग खुद को साफ रखने के साथ साथ इन सभी चीजों को साफ रखना है, जैसे कि हमारा वर्क प्लेस, हमारा स्कूल, हमारा हाउसेस, हमारा सराउंडिंग्स, हमारा कम्युनिटी, यानी कि ओवरऑल वो सारे प्लेसेस हम लोगों को साफ रखना है जहां पर हम लोग आना जाना करते हैं, रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, यस और नो? सो कीपिंग अ गुड हेल्थ एंड ऑफ वन सेल्फ इज नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो ऑफ कम्युनिटी एंड अदर अलॉन्ग विथ होम यू लीव, यानी कि पर्सनली जो है, इंडिविजुअली जो है, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो ये खुद का तो एक गिफ्ट है ही, है ना, अगर हम लोग प्रॉपर, अगर मान लीजिए प्रॉपर तरीके से, अगर सच्चे अच्छे तरीके से, अगर हम लोग खुद अप मैंने एक एक बॉडी को, हम लोग अपने इंडिविजुअल को, हम लोग खुद को अगर मान लीजिए कि स्वस्थ रखते हैं, इफ वी कीप आवर सेल्फ यू नो हेल्दी, समझिएगा ध्यान से, है ना, यानी कि इफ वी कीप आवर सेल्फ्स हेल्दी, अगर हम लोग अपने आप को हेल्दी रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये खुद को ही केवल नहीं रखना होता, ये क्या होता है, ये ऑल्सो कीप्स आवर कम्युनिटी हेल्दी, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल से क्या होता है, कम्युनिटी बनता है। तो अगर हम अपने आप को, इंडिविजुअल को अगर स्वस्थ रखेंगे, तो हम, मेरे लिए तो खुद का तो है ही वरदान, है ना, बट ये कम्युनिटी के लिए भी एक वरदान है कि पूरा कम्युनिटी भी हेल्थ रहे, हेल्दी रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से अगर एक पर्सन अगर हेल्दी रहता है या हेल्दी नहीं रहता है, ठीक है, तो वो अपने पूरे नेबरहुड को, पूरे अपने आसपास के पास पड़ोस को भी क्या कर सकता है, अगर खुद गंदा है तो अपने पास पड़ोस को गंदा करता है, अगर खुद साफ सुथरा रह रहा है तो अपने पास पड़ोस को साफ सुथरा रखता है, अगर वो खुद हेल्दी है तो समाज को वो हेल्दी रखता है। तो
इट इज नेसेसरी दैट नेबरहुड्स सराउंडिंग्स एटसेट्रा शुड बी क्लीन. ये नेसेसरी है कि हम लोगों को है ना अपने सराउंडिंग्स को यानी स्कूल कॉलेजेस है ना जहां पर मेरा हमारा उठना बैठना होता है सभी जगह को क्या करना चाहिए साफ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है समझ में आ रहा है यस और नो? यस सर. तो ये जरूरी है कि अगर एक कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना है तो वी शुड फॉलो ऑल दीज एक्टिविटीज. ये सारे एक्टिविटीज पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. ठीक है ना क्लियर? यस यस सर. वेरी गुड. नाउ वी विल टॉक व्हाट इज डिजीज. अब हम लोग का जो है टॉपिक क्या रहेगा कि बीमारी क्या होता है डिजीज क्या होता है. ठीक है व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज. ठीक है तो डिजीज में देखिए दो टर्म छुपा हुआ है. ठीक है दो टर्म छुपा हुआ. पहला टर्म क्या है डिस यानी कि यहां से हम दो वर्ड में इसको तोड़ सकते हैं. एक हो गया डिस ठीक है और दूसरा क्या हो गया दूसरा हो गया इज. तो हो जाएगा डिज इज है ना डिजीज. तो डिस का मतलब क्या होता है Against, ठीक है against. और ease का मतलब क्या होता है ease का मतलब होता है comfort है ना आराम. ठीक है ये क्या होता है comfort. तो against comfort यानी कि जो हमारा body में होने के बाद हम लोग comfortable नहीं रहते हैं uncomfortable feel करते हैं That is disease. समझ में आ रहा है यानी कि it is a condition of body without ease or without comfort. समझ में आ रहा है यानी कि ये कैसा condition है. ठीक है ना a condition of body Without ease or comfort. समझ में आ रहा कि नहीं? Clear? Disease क्या होता है? ठीक है एक तरह का ये क्या होता है Discomfort होता है. Discomfort यानी कि difficult और you can say difficult state of body होता है. ठीक है ना समझ में आ रहा है ये क्या होता है Discomfort होता है यानी कि अगर किसी बॉडी में डिजीज है तो वो क्या है वो बॉडी कंफर्टेबल नहीं है वो बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है तो जनरली अगर मान लीजिए हम लोग अगर बात करेंगे डिजीज को तो डिजीज कई टाइप के होते हैं. ठीक है डिजीज कई टाइप के होते हैं जैसे एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होते हैं. ठीक है समझ में आ रहा है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होते हैं साथ ही साथ इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं. ठीक है कम्युनिकेबल अनकम्युनिकेबल डिजीज होते हैं. ठीक है कई टाइप्स के डिजीज होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. उसके पहले एक बार फिर से हम लोग हेल्थ और अनहेल्थी को थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं. ठीक है तो यहाँ पर अगर फिर हम बात करें अगर जो व्यक्ति अगर हेल्दी रहेगा ठीक है समझिएगा वो क्या कर सकता है एबल टू वर्क अच्छे से काम कर सकता है प्ले कर सकता है स्टडी कर सकता है. ठीक है सिंग कर सकता है इजंट इट यानी कि कोई भी एक्ट को आसानी से वो कर सकता है ना एक्ट और एनी एक्टिविटी है ना दैट वंस डज. ठीक है यानी कि ये व्यक्ति जो है जो हेल्दी रहेगा वो इन सारे एक्टिविटी को अच्छे तरीके से कर सकता है. ठीक है
और यदि ये एक्टिविटी को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है ना, नॉट एबल टू डू है ना दिस एक्ट, तब हम लोग उसको कह सकते हैं क्या कि वो क्या है, अनहेल्दी है. क्या है? अनहेल्दी है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डिजीज क्या होता है, हमारा बॉडी को अनहेल्दी बनाता है. ठीक है, डिजीज हमारे बॉडी को क्या करता है, अनहेल्दी बनाता है. यानी कि किसी बॉडी में अगर डिजीज है तो वो बॉडी सही से वर्क नहीं कर सकते हैं, सही से खेल नहीं सकते हैं, सही से स्टडी नहीं कर सकते हैं, और भी जो एक्टिविटी होता है ना, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, जो भी जो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग भी अपना जिस जिसमें फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक्टिविटी को वो है ना हेल्दी कंडीशन में और अनहेल्दी कंडीशन में आपको डिफरेंसेस मिलेगा. क्या? कि वो अपना एक्टिविटी को सही तरीके से जो है हेल्दी कंडीशन में कर पा रहे हैं, जबकि अनहेल्दी कंडीशन में दे आर नॉट एबल टू डू ऑल दिस एक्टिविटी. समझ में आ रहा है? ठीक है. Yes, sir. तो डिजीज क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिजीज क्या होता है समझिएगा. ठीक है, एनी डिसऑर्डर और इम्बैलेंस लीडिंग टू मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट कैन बी क्लिनिकली आइडेंटिफाइड is disease. समझिएगा हर एक टर्म को यहां पर समझिए. ठीक है, यानी कि एनी डिसऑर्डर और इम्बैलेंस. ठीक है, समझिएगा, यानी किसी भी तरह का इम्बैलेंस या डिसऑर्डर है ना, डिसऑर्डर या इम्बैलेंस कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा हो, है ना, एबनॉर्मल फंक्शनिंग. ठीक है, समझिएगा ध्यान से. यानी जैसे मान लीजिए कि अभी आप बैठे हुए हैं, है ना, अच्छे से बैठ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, अगर जो है अचानक आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल लग रहा है, और आपको बैठ के पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि कमजोरी लग रहा है बॉडी में, लग रहा है सो जाए, बैठने का मन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स योर बॉडी इज इन डिसकम्फर्ट, है ना. यानी आपके बॉडी में क्या कुछ डिसऑर्डर, कुछ इम्बैलेंस, है ना, कुछ आपको कह सकते हैं इम्प्रॉपर थिंग्स देखने को मिल रहा है, जो या तो रिलेटेड हो सकता है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, बताएंगे ये क्या होता है, ये रिलेटेड हो सकता है आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से, एनाटॉमिकल एक्टिविटी से, या आपका मॉर्फोलॉजिकल जो है बॉडी में कुछ चेंजेस होने के कारण आपको ऐसा फील हो रहा होगा. ठीक है, तो पता चला कि आपने जो है सुबह में कुछ ऐसे चीजें खा लिए, चिप्स वगैरह खा लिए, कि आपके बॉडी में क्या हो गया, गैस हो गया, और आप जो है सही से है ना क्या कर रहे हैं, मतलब आपको कमजोरी लग रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप सीधा बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको मन कर रहा है कि लेटे, है ना, समझ में आ रहा है, सो जाए, ऐसा कुछ लग रहा है, तो इट कैन बी रिलेटेड विथ योर इम्बैलेंस, रिलेटेड विथ योर मेटाबॉलिक थिंग्स. ठीक है, यानी मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल है ना नियरली वर्ड थोड़ा कुछ सेम ही है, चलिए देखते हैं इसको. तो मेटाबॉलिक में क्या होता है, रिलेटेड टू ऑल द बायो केमिकल
reactions going inside your body. जैसे क्या हुआ, हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है. बॉडी में जाने के बाद हम लोग तो शांति से बैठे हुए हैं अपना, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो डाइजेशन का प्रोसेस चलता जा रहा है ना. द फूड मटेरियल इट इज यू नो बीइंग डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्टेड वहां पर डाइजेशन किया जा रहा है. हमारा स्टमक, हमारा जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर बिजी इन डूइंग दिस एक्टिविटी. ठीक है, समझ में आ रहा है. अगर मान लीजिए वो सही से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो ये क्या होगा, ये एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा. ठीक है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा जिसको क्लिनिकली आइडेंटिफाइड किया जा सके. यानी क्लिनिकली आइडेंटिफाइड करने का मतलब क्या है कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमको अजीब सा लग रहा है ना, अनकंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सांस में भी प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, क्या करें नहीं करें, पेट पूरा फूल गया है, क्या खाए थे, तो चिप्स खाए थे. अच्छा, कब खाए थे, सुबह में, मॉर्निंग में खाए थे. ठीक है, डॉक्टर आपसे पूछ लिए, बोल दिए कि यस जो है जो यहाँ पर आपको क्या हो गया, गैस्ट्रिक हो गया है, यानी कि जो है गैसेस जो है आपका बॉडी में बढ़ गया है, स्टमक में बढ़ गया है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट. तो ये क्या है, एक तरह का डिजीज है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर. अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब जो है ऐसा ऐसा फील हो रहा है ना, जो है मान लीजिए कि सही नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो है ना, इस तरह से कमर दर्द कर रहा है काफी ज्यादा. ठीक है ना, एक क्या किए, वो लिख दिए डायग्नोस करने के लिए, कुछ लिख दिए कि एक्सरे लिख दिए या कुछ यूएसजी लिख दिए, सोनोग्राफी लिख दिए ना. रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि देखिए आपको ये ना पर्टिकुलर ये बीमारी आपको. तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हमारा बॉडी में इम्बैलेंस होगा. यानी कहने का मतलब हमारा जो बॉडी जो ऑर्गन्स है वो इम्प्रोपर फंक्शन करने लगेंगे. ठीक है, इम्प्रोपर फंक्शन करने लगेंगे या अपना फंक्शन नहीं करने लगेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर यू नो डिजीज. क्लियर. एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मतलब क्या होता है, एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है बाहर से. ठीक है, मतलब बाहरी. ठीक है, यानी मान लीजिए कि हमारा जो है आईज, जो भी हम बाहर से देख पा रहे हैं, जो हमारा फेस है ना, हमारा स्किन. ठीक है, ये जो है मान लीजिए कि आपने क्या देखा मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में, क्या मान लीजिए स्किन में रैसेस आने लगे, है ना, स्किन जो है क्या हो, रैसेस आने लगे, काफी जो है व्हाइट 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 पैचेस आने लगे. आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसा पैचेस आ रहा है, डॉक्टर साहब देखे है ना उसको, वो क्या किए क्लिनिकली, मतलब क्या होता है जो डॉक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सके, डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर दिया, ओके ये एक तरह का आपको जो है ये पेस्ट दे रहे हैं, इसको बॉडी में लगाना है, एक सॉप दे रहा है, आपको साबुन से नहाना है. ठीक है, एक सप्ताह आप इसको कीजिए, है ना, ये मत खाइए, आपका जो है ठीक हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या एनाटॉमिकल है, मतलब ये जो है एनाटॉमिकल. देखिए एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ ऑर्गन्स हैं उसके स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं. और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो हम लोग बाहर से जो देख पा रहे हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो इन सभी में अगर कोई मान लीजिए चेंजेस हो रहा है या कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है या किसी तरह का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक डिजीज. ठीक है, तो डिजीज क्या हो गए, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी इम्बैलेंस या इम्प्रॉपर फंक्शंस, है ना, लीडिंग टू हमर मेटाबॉलिक से हो सकता है, यानी कि हमारा डाइजेशन से, हमारा बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, एनाटॉमिकल हो सकता है, यानी कि जो है बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर का स्टडी हम लोग कहते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है. मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, यानी कि बॉडी से बाहर जो अपीयरेंस है उससे रिलेटेड हो सकता है. तो ये चेंजेस जो कि आपका क्लिनिकली आइडेंटिफाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं डिजीज कहते हैं. क्लियर, समझ में आ रहा है. डिजीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सर ये कौन सा डिजीज है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका साइन और सिम्टम्स को देखा जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है, साइन और सिम्टम्स को देखा जाता है और उससे पता किया जाता है, उससे गेस किया जाता है कि ये कौन सा बीमारी हो सकता है, उसके बाद उसको डायग्नोसिस करके उसको फाइनली जो आप कह सकते हैं कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजीज जो है दिस बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो बीमारी जो है, डिजीज जो है, उसको और आगे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि किन सब चीजों से होता है डिजीज. डिजीज जो है वो किन सब चीजों से होता है.
ठीक है, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो बीमारी को कॉज करते हैं, ठीक है, समझिएगा। फैक्टर्स और सोर्सेस, फैक्टर्स और सोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर causing disease in human. ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या यू नो सोर्सेस हैं जो क्या होता है बीमारी को कॉज करते हैं, है ना। तो देखिए इस फैक्टर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जिसको आप एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, दैट इज योर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, या इसको आप इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल सब्सटेंस और एजेंट्स जो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है ना को डिस्टर्ब करता है और किसी पर्टिकुलर डिजीज को लीड करता है आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या बाहर से हो सकता है, इजंट इट, ठीक है, फ्रैक्चर बाहर से हो सकता है, दीज आर एक्सटर्नल, बाहर से चोट लगा है ना, कोई बाइक वाला जा रहा है धीरे से आपको जो है काफी स्पीड में आप भी जा रहे हैं, आप में हल्का सा वो सट गया, आपके हाथ में चोट लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या एक्सटर्नल फैक्टर, समझ में आ रहा कि नहीं, यस और नो। सो ऑल दोज फैक्टर्स और ऑल दोज सोर्सेस जो बाहर से हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है ना, बाहर से हमारे क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, वैसे फोर्सेस को, वैसे फैक्टर्स को, वैसे हम लोग रिसोर्सेस को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कुछ इमरजेंसीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक है, अगर बोन फ्रैक्चर क्या है, एक्सट्रिंसिक है, जब से बाहर से कुछ हिट नहीं होगा है ना, गिरेंगे नहीं, बाहर से चोट नहीं लगेगा तो क्या होगा, बोन जो है वो फ्रैक्चर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, फ्रैक्चर ऑफ बोन, एनी एक्सीडेंटल इवेंट, ठीक है, कुछ भी अगर एक्सीडेंटल इवेंट होने से अगर बोन ब्रेक होता है, दैट इज एक तरीका, क्या है ये, एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और ये इमरजेंसी होता है, यानी कि जब बोन फ्रैक्चर होता है तो जितना जल्द उसको है ना, जितना जल्द उसको क्या किया जा सके, डॉक्टर से है ना राय परामर्श किया जा सके, उसको दिखाया जा सके, उसका उपचार शुरू कर दिया जाए, उतना अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हीट स्ट्रोक ड्यू टू एक्सेसिव हॉट वेदर, है ना, जो हॉट वेदर के कारण अचानक क्या हुआ, जो है आपका एक्सेसिव यानी कि हॉट के कारण जो है बॉडी क्या होता है, बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करने लगता है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग करने लगता है, तो ये कंडीशन भी क्या होता है, इमरजेंसी होता है, ठीक है, इसमें भी डॉक्टर को या फिर जो भी मतलब हमारा जो ये उसका जो उपचार है इतना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसके अलावा जो है बाइटिंग फ्रॉम डिफरेंट यू नो एनिमल्स, ठीक है, मान लीजिए डिफरेंट एनिमल्स की वजह से स्नेक बाइटिंग,
अभी इस सीजन में क्या है, जो बारिश हो रहा है और इतना गर्मी हो रहा है, इसमें क्या होता है, स्नेक बाइटिंग का केसेस जो बहुत ज्यादा आते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हम लोगों को संभल के रहने का जरूरत है, हम लोगों को अच्छे से, कहीं भी अंधेरा में अगर जा रहे हैं आप वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, अंधेरा है प्लीज, है ना, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। स्नेक बाइटिंग का केस बहुत ही ज्यादा आ रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये ऐसा टाइमिंग होता है जिसमें क्या होते हैं, जो स्नैक्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, बाहर चले आते हैं, है ना, क्योंकि वो ऐसा ही वेदर ही ऐसा है कि वो क्या होते हैं, अपने जो मिट्टी के अंदर में वो रह नहीं पाते हैं, ठीक है, और उनको बाहर निकल के क्या होता है, वो इधर उधर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि ये जो है आप कैसे स्नैक बाइटिंग से बच सकते हो, ये भी क्या एक्सटर्नल फैक्टर है, तो किसी भी तरह का जो है कह सकते हैं जो एक्सीडेंटल केसेस, ठीक है, जो एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक है, साथ ही साथ जो है हीट स्ट्रोक, जो बाहर से क्या हो रहा है, हीट जो है हमारा बॉडी को अफेक्ट कर रहा है ना, ऑल दीज आर एक्सटर्नल। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, दोज फैक्टर्स दैट आर विद इन द बॉडी एंड इंटरफेयर विथ प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि विद इन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, अगर बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि अगर न्यूट्रिशन के कारण, न्यूट्रिशन को हम लोग क्या लेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स? इंटरनल। इसको हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स लेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर तो खुद से नहीं है ना, हम लोग बाहर से ले रहे हैं, तो हाउ मच वी आर टेकिंग, है ना, ये तो डिपेंड करता है हम लोग कितना ले रहे हैं। तो बाहर से ले रहे हैं खाना पीना, तो आप बाहर से ले रहे हैं ना, तो इट कम्स अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर? यस नो? तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो बाहर से हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो आपका है न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सीडेंट, ऑल दीज आर यू नो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सब आपका क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो दोज फैक्टर दैट आर विद इन द बॉडी, और वो क्या करते हैं, इंटरफेयर विथ प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें आपको कुछ इंडिकेशंस, जैसे मान लीजिए जो है, जैसे मान लीजिए हेडेक हो गया, कफ हो गया, पेन हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, फॉर्मेशन आपका जो है पर्स फॉर्मेशन हो गया, ऑल दीज आर दी यू नो दैट आप कह सकते हैं एक तरह का एक लक्षण है ना, सिम्टम्स है, साइन है, जिसके जरिए आप देखकर ये बता सकते हैं कि बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये हमारा जो आप कह सकते हैं बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम है जो हमारा बॉडी के अंदर है ना, ये आपका क्या एक तरह का इंट्रिंसिक फैक्टर का काम करता है, यानी कि अगर ये सही तरीके से अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर वर्क नहीं कर रहा है इट कैन अफेक्ट योर बॉडी, ठीक है। तो ये इंटरनल कुछ चीजें होते हैं, जैसे आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये क्या होते हैं, दिस इज इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर ये सही से फंक्शन कर रहे हैं तो हमारा बॉडी सही से फंक्शन कर रहा है, अगर ये अफेक्टेड होते हैं है ना किसी भी कारण से, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी को
है ना, क्या कर सकते हैं, डिजीज्ड कर सकते हैं, यानी अनहेल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, यस और नो? यस सर, यस सर, ओके, हम लोग बात करें किसी भी डिजीज को हम लोग कैसे जो है पहचानते हैं, कैसे उसको बारे में हम लोग जान पाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? या आज इतना ही रहने देते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे साइन एंड सिम्टम्स, ये हमारा अगला क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके क्लियर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सर, एंड बाय सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टडी योर सेल चैप्टर, ओके, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इन रिवाइजिंग सेल चैप्टर एंड वी विल टेक अ स्मॉल स्मॉल टेस्ट ऑन दैट चैप्टर, ओके, सो स्टार्ट रिवाइजिंग योर सेल.